भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कलयुग की वह 5 बातें प्रस्तुत करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी, और उस बातों से सीख लेकर हम अपने जीवन में भी कुछ आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद पांडव जब वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम? जब कलयुग का आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, मैंने एक दो सुंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा, उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपने संतानों को परिवार की मोहमाया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर पेट की रुचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम होंगे। उसके बाद नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक पहाड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस पतन को दंड और बड़े बड़े सत्तारूपी वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अंत में सहदेव ने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी था किंतु बीच का कुआ खाली था, ऐसा कैसा हो सकता है और इसका क्या अर्थ? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़के के विवाह में, छोटे बड़े उत्सव में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा धन खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी, उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरापान, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे, लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, यह कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, और आज ये हम सब अपने आसपास देख भी रहे हैं। दोस्तों, ये सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से ये सभी अवगुण हमारे अंदर हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें भी अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाना चाहिए।
ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।